नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। इस वक्त हम मौजूद हैं कार्यालय मुख्य अभियंता सिविल लाइन्स प्रयागराज, क्षेत्र प्रयागराज में। जैसा कि मैंने देखा और आप भी देख रहे हैं कि भारी तादाद में, भारी संख्या में एक बहुत बड़ा जनसमूह यहां पर मौजूद है। वो किस लिए मौजूद है, मैं अभी आपसे बातें करने वाला हूं। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए पूरी खबर। तो इस वक्त हम प्रयागराज के जो है कार्यालय मुख्य अभियंता प्रयागराज में जो है क्षेत्र प्रयागराज में मौजूद है। तो आखिर ये धरना प्रदर्शन किस उद्देश्य से रखा गया है, इसके संचालक कौन है और इनकी समस्या क्या है, इन सारी बातों से आपको हम रूबरू करवाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं हेमंत नंदन ओझा हूँ और उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ प्रयागराज का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। तो सर, आज इस तरह से धरना जो है मैं देख रहा हूँ, जैसा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पर आपके बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका जो है, क्या अपनी बातें रखना चाहेंगे आप? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मुख्य अभियंता कार्यालयों पर, सभी परियोजना कार्यालयों के ऊपर बिजली उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के बैनर के तले बिजली कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। हम एक 10 सूत्रीय ज्ञापन दे रहे हैं जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन को ध्यानाकर्षण करने के लिए है, और अगर इस 10 सूत्री मांगों के ऊपर वो दोपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी MD कार्यालयों के ऊपर विशाल प्रदर्शन होगा। हम अभी पूर्वांचल के अंदर हैं, पूर्वांचल के MD बनारस के कार्यालय के ऊपर भी हजारों की संख्या में कर्मचारी चलेंगे। इसी तरीके से अलग अलग डिस्कामों पे होगा, और अगर तब भी समाधान नहीं होता है तो 18 दिसंबर को हम शक्ति भवन को घेरेंगे, और अगर तब भी सरकार नहीं मानती है तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर फैसला लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर देंगे और संपूर्ण हड़ताल पर जाएंगे। जैसा कि आपने सुना सर के द्वारा कि जो इनकी मांगे हैं, जो अपनी आधिकारिक मांगों के लिए ये जो है बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में सारे कर्मचारियों ने एकत्रित होकर एक धरने का आयोजन किया है, और इनके मुखारविंदों से आपने सुना कि अगर सरकार के द्वारा इनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो किस स्तर तक जा सकते हैं, तो आइए हम और मिला। सर, क्या नाम है आपका? जवाहरलाल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ। तो इस तरह सर, आज इतना बड़ा धरना इतने बड़े जनसमूह में करने का मुख्य उद्देश्य? आज ये धरना प्रदर्शन जो है पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जोन पर हो रहा है जी, और जैसा कि हमारे जोन के मंत्री साथी हेमंत नंदन ओझा जी ने बताया, जो कार्यक्रम है आंदोलन का जी, हमारी मांगे हैं कि हमारे यहाँ जो संविदा कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं हजारों हजारों की संख्या में जी, इनको जो वेतन दिया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। अगर सर हम बात करें तो मानदेय की, संविदा, हाँ संविदा मानदेय की, जो मानदेय नहीं बल्कि वो वेतन है, वेतन, और 30 दिन काम लेकर के 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है जी, जी। और आज की इस महंगाई में उनको 7,500-8,000 रुपया वेतन मिल रहा है जी, जी। जबकि इतने दुर्घटनाग्रस्त होने वाला काम है ये, इतना उस पर ये काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि यहीं पर इसी उद्योग में जो कर्मचारी मिलिट्री से रिटायर्ड आते हैं जी, जी, रिटायर्ड मिलिट्री कर्मचारी आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए जी, जी, उनको 24,000 रुपया दिया जाता है जी, जी, और वही काम करने वाला दूसरा जो संविदा कर्मचारी है उसको 7,500 और 8,000 दिया जाता है। यह जो एनामली है, यह जो दोहरा चरित्र है सरकार का जी, जी, इसके खिलाफ हम आंदोलनरत हैं और आंदोलनरत रहेंगे। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो हमारे TG2 हैं, इनके पदोन्नति का सवाल है, जब इनकी पदोन्नति का सवाल आता है तब उसमें कहा जाता है आप अभी 10 साल काम करिए तब आपकी पदोन्नति का नंबर आएगा जी, तो उनके पदोन्नति में तरह तरह के अड़ंगे लगाए जाते हैं जी। हमारी मांग है कि जिस तरह अन्य वर्गों में जी, सीधे वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होता है, उसी तरह TG2 कर्मचारियों का भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाए और तमाम एनामलीज हैं वेतन की। हमारे जो वेतन हैं, जैसे
यहाँ सहायक लाइनमैन अब कोई रह नहीं गया जी, लेकिन वेतन सहायक लाइनमैन का बना हुआ है जी जी। फोर्थ क्लास का कर्मचारी अगर पदोन्नति पाएगा या उसको टाइम स्केल मिलेगा तो अब वो सहायक लाइनमैन का मिलेगा, जबकि सहायक लाइनमैन का कोई पद यहाँ है ही नहीं है। तो हमारा मानना है कि जो पद इस कॉरपोरेशन में नहीं है उन पदों का जो वेतन मान है उन्हें हटाया जाए, और जो हमारा फोर्थ क्लास कर्मचारी है उसको पहला टाइम स्केल लाइनमैन का दिया जाए, यह हमारी मांग है। इसी तरीके की हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, यह जो कर्मचारियों के अंदर आक्रोश है इसको समझने का प्रयास करें, या जो इनकी दिक्कतें हैं इसको समझने का प्रयास करें। अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं समझती है और ससमय इसका निस्तारण नहीं करती है तो जो संगठन का काम है, सरकार का जो काम है वो अपना कर रही है, तो हमारा भी जो काम है, जो संगठन का दायित्व है, हम संगठन का काम और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हम इस मांग को लेकर के जिस स्तर तक आंदोलन पर जाने की नौबत आएगी हम वहां तक जाएंगे, यही हमारा कहना है। जैसा कि अभी सुना आपने कि अगर इनकी मांगे सरकार साधारणतया नहीं सुनती है तो ये अपने इस उद्देश्य को, इस मुहिम को इसी तरह अनवरत जो है चालू रखेंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं इससे बड़े धरने इनको देने पड़े, और वो कह भी रहे हैं कि इससे बड़े धरने पर हम बैठेंगे, लेकिन हमारा ये कारवा रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। सर और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे जी? मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केवल संविदा कर्मचारी और रेगुलर एम्प्लाइज का ही सवाल नहीं है जी, जी। इसमें मीटर रीडर जो सबसे ज़्यादा शोषण की स्थिति में इस समय हैं, जिनको 3-4, 5-6 हज़ार भी सैलरी नहीं मिल पा रही है, और उनको 2,000-2,500 उनको मीटर रीडिंग करने के लिए कहा गया है जी जी। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक मीटर रीडर को 8 घंटे काम करने के एवज में जी बिजली जी है नहीं है तमाम समस्याएं हैं, हाँ अगर उन्होंने काम किया है तो 8 घंटे काम के एवज में न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए, और कार्य का लक्ष्य व्यवहारिक हो वही उतना कार्य दिया जाए जितना एक मानव शक्ति एक व्यक्ति दिन में काम कर सकता है। अच्छा सर, अगर मैं पूछूं एक सवाल आपसे, तो क्या इसमें जो आपकी पुरानी पेंशन है जो कि बंद कर दी गई है तो उसके बारे में भी क्या कुछ सिलसिला है आपके आंदोलन? हमारे इस 10 सूत्री मांग के अंदर चौथी मांग सबसे एक महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 2000 के बाद से जो हमारे कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको सबको पुरानी पेंशन दी जाए, ये हमारे इस मुद्दे के अंदर शामिल है जो 10 सूत्री मांग है। ये भी एक मुद्दा है दोस्तों कि जैसा कि सन 2000 के बाद जो है जो पुराने कर्मचारी थे उनको छोड़कर जो नए नियुक्त के कार्य मतलब कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनका जो है पेंशन रोक दिया गया है या बंद कर दिया गया है, जो लागू था उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो इनकी मांगे यहाँ पर ये भी है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है वो पुनः लागू की जाए। और देख रहे हैं ये सारे संविदा कर्मी हैं बिजली विभाग के, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने भारी जनसमूह में यहाँ पर एकत्रित हैं, और हकीकत भी है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे खंभों व पोलों पर चढ़कर रात और दिन अनवरत अपनी सेवा देने वाले ऐसे कर्मचारियों की मांग जायज भी है, और अगर नहीं जायज है तो वो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद इस पर फैसला करेंगे। और जैसा कि बीच में इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कर्मचारियों को जैसे कि मीटर रीडर है या ऐसे ऐसे संविदा पर मतलब भर लिए जाते हैं, फिर उनको अपने मन मुताबिक उनके इच्छा के अनुसार वेतन दिया जाता है, जो कि संविदा कर्मचारी जो अपनी जान को जोखिम में डालकर पोल पर चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद चाहे रात हो चाहे दिन चाहे आंधी हो चाहे तूफान चाहे बिजली कड़के चाहे पानी बरसे, इससे मतलब नहीं होता है, उनका उद्देश्य बस एक ही होता है कि उस शहर की जो जनता है उनको जो है बिजली की अनवरत पूर्ति देना, और ऐसे कार्य के दौरान सडनली उनके साथ दुर्भाग्यवश किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन। तो ऐसी ऐसी मांगों को लेकर भारी जनसंख्या में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिजली कर्मचारी ये संविदा कर्मचारी जो है मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इनकी जो मांगे हैं वो अभी आपने सुनी। तो
मेरा काम था कि मैं जो है आप लोगों को लाइव वीडियो दिखा सकूं कि दरअसल ये मांगे क्यों रखी गई है, किस लिए रखी गई है, इस पर आप लोग खुद देखें, खुद फैसला करें और सरकार तक अगर ये वीडियो जाए तो वो भी अमल करें कि आखिर क्या है इनकी मांगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुशील मिश्रा। किस पद पे हैं? टीजी सेकंड। अच्छा, टीएनसी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे तो जैसा अभी नेताजी ने बताया हमारे, और हमारी ये मांगे जो पेंशन इन्होंने बहाल नहीं किया है, और क्योंकि हम लोग 440 वोल्टेज में डेली ट्रैक, कब हम मर जाए कोई भरोसा, नेता को तीन तीन पेंशन दी जा रही है, दो पेंशन दी जा रही है, एक एमएलए को रिटायर होता है उसके विधवा पेंशन, दो पेंशन, तीन पेंशन, तो हमको क्यों नहीं दी जा रही? सरकार को ये चीज़ जानना चाहिए कि हम लोग कम मर जाए कोई भरोसा नहीं है, पेंशन भी मिल रही तो पेंशन नहीं दी जा रही है, ऐसा क्यों? जो मुख्य अभियंता के प्रतिनिधि के रूप में हमारे ज्ञापन को लेने के लिए आए हैं, मैं इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन के चलते हुए हम आज यहां पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये धरना और प्रदर्शन पूरी तरह से सांकेतिक है, क्योंकि इसके पहले भी हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, और आप जानते हैं कि इसी जगह के अंदर एक तिल डालने की भी जगह नहीं थी, लेकिन एक ज्ञापन हम 10 सूत्री हैं जो अपने राज्य स्तरीय आह्वान पर दे रहे हैं, और एक दूसरा ज्ञापन है जो 67 सूत्री है, और जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज ग्रामीण प्रथम द्वितीय संविदा कर्मचारी, मीटर रीडर, सेवानिवृत्त कर्मचारी, इन तमाम समस्याएं इसके अंदर शामिल हैं, जिनको लेकर के एक बार मुख्य अभियंता के स्तर पर इसमें से ज़्यादातर मांगों पर चर्चा भी हुई, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाई, और कार्यवाही भी निर्गत नहीं हुई, और कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। तो हम अनुरोध करेंगे कि एक नोटिस भी है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम प्रयागराज के स्तर पर, प्रयागराज जोन के स्तर पर हम आंदोलनात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य होंगे। तो ये दो तरह का ज्ञापन है जो मैं यहाँ आदरणीय को आपके समक्ष इसको दे रहा हूँ। ज्ञापन पढ़ा जा चुका है, इसलिए मैं इसको जो देने की प्रक्रिया है वही चाहता हूं कि इसको कर लिया जाए। बने रहिए हमारे साथ इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज 24।